आप लोग देख पा रहे होंगे कि समस्त संकुलों से आए हुए हमारे बच्चे बहुत ही उम्दा प्रदर्शन कर रहे हैं। इस आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे कर्णप्रयाग के सम्मानित विधायक जी माननीय श्री अनिल नोटियाल जी और उनके साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में ब्लॉक प्रमुख गैरसैन अति विशिष्ट अतिथि सम्मानित नगर पंचायत अध्यक्ष राजीव रावत जी और अन्य जनप्रतिनिधिगण शिक्षा विभाग से पहुंचे हमारे अधिकारी वर्ग शिक्षक साथी शिक्षिका बहने सभी यहाँ पे जितने भी उपस्थित अन्य लोग पहुंचे हैं उनका मैं महल चौरी के इस ऐतिहासिक मैदान से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आप लोग देख रहे हैं बहुत ही सुंदर नज़ारा आप लोगों को दिख पा रहा होगा। ये हमारे निर्णायक महोदय अपनी बारीक नजरों से पारकी नजरों से मार्च पास्ट को देखते हुए ये आप लोग देख पा रहे हैं बहुत ही सुंदर महल चौरी का ये मैदान अपने आप में एक अलौकिक और अद्भुत नजारा लिए हुए है। यहाँ पे हमारे शिक्षक साथी हैं बड़े भाई वर्मा जी, आपसे चाहूंगा आज पैंडेमिक के बाद जो ये विगत कई सालों से अधूरा रह गया था हमारा ब्लॉक देवी का या संकुल कार्यक्रम बच्चों का कैसे महसूस कर रहे हैं? धन्यवाद साईं जी, बहुत समय बाद हमें ये बच्चों के साथ खेल प्रतियोगिता में शामिल होने का मौका मिल रहा है और ये कोविड के कारण दो सालों से ये कार्यक्रम बाधित रहा था। ये अति प्रसन्नता की बात है हमारे लिए कि हम इस प्रकार से बच्चों के साथ क्रीडा प्रतियोगिता का प्रारंभ करने जा रहे हैं और ये कार्यक्रम हमारा आज कल और परसों तक लगातार रहेगा और जो भी प्रतिभागी यहाँ से चयनित होंगे वो आगे जिले के लिए खेलेंगे। धन्यवाद धन्यवाद बड़े भाई वर्मा जी। वास्तव में ये ऐतिहासिक पल है हमारे लिए कि पैंडेमिक के बाद जो खेल प्रतियोगिता शुरू हुई है ये अपने आप में देखने को मिलता है। बहुत ही उत्साह बच्चों और समस्त शिक्षा जगत में है। बड़ी चढ़ बढ़ के हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं और हमारे शिक्षक समाज में भी एक गजब का उत्साह और खुशी झलक रही है। इसका आदर्श नमूना आप फील्ड में देख पा रहे होंगे। इस बीच हमारे शिक्षक साथी और बड़े भाई नेगी जी हैं। नेगी जी, मैं आपसे चाहूंगा कि आप भी इस ऐतिहासिक पैंडेमिक के बाद जो ये खेल प्रतियोगिता शुरू हुई है आपसे चाहेंगे हम कि आप भी अपनी बात रखने का कष्ट करेंगे। माननीय श्री सत्येंद्र सिंह नेगी जी। धन्यवाद सर। कोविड के कारण तब से जो है किसी भी प्रकार की खेल प्रतियोगिता नहीं हो पाई थी जिसमें अध्यापक और बच्चे बड़े मायूस थे। हर साल शरदकालीन और शीतकालीन रैलियां होती थी, बच्चे उसमें प्रतिभाग करते थे, बाल मेला लगता था और कई प्रकार के अन्य कार्यक्रम होते थे जैसे उसमें मैथ रिजल्ट स्पेलिंग जीनियस प्रतियोगिता आदि चीजें होती थी। लेकिन कोविड में ये सारी चीजें बंद रही
और उसके बाद ये शरदकालीन और शीतकालीन रैली का जो यहाँ पे जो है ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताओं का कार्यक्रम चल रहा है, ये बहुत ही सुंदर है। सारे बच्चे, सारे अध्यापक, सारे पदाधिकारी और सभी जो है दर्शक जो है बड़े खुश हैं सर। और इसमें जो है बच्चों विशेषकर उनके लिए जो है इतना अच्छा ये लग रहा है कि न जाने वो किस जेल से छूट करके आज जो है खेल प्रतियोगिता में भाग कर पा रहे हैं और सभी जो है खुश हैं सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद है बड़े भाई नेगी जी। जैसा कि आपके चेहरे से झलक रहा है, वास्तव में पैंडेमिक के बाद जो ये खेल प्रतियोगिता शुरू हुई है अपने आप में एक उत्साह और जोश से भरा हुआ है। इस बीच हमारे मित्र राजीव पधारे हैं, उनका भी हम इस ऐतिहासिक मैदान पे स्वागत करते हैं। और मैं चाहूंगा कि मित्र आप भी इस ऐतिहासिक जो पैंडेमिक के बाद खेल प्रतियोगिता शुरू हुई है, आप का क्या विचार है? बड़ा सुंदर सा ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए, भावी पीढ़ी के लिए आगे बढ़ने का समय मिलता है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद विपिन भाई। ये देख पा रहे होंगे आप लोग, बहुत ही सुंदर नजारा हमारे ऐतिहासिक मैदान मैचोरी पे मच्छी बगड़ चारों तरफ, बहुत ही सुंदर दृश्य आप लोग देख पा रहे होंगे। ये हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों द्वारा अपने पोशाक में और अपने प्रॉपर जो यूनिफॉर्म है उसके साथ यहाँ पे मार्च पास का कार्यक्रम संपन्न किया गया। और जो हमारे मुख्य निर्णायक महोदयान था, उन्होंने अपना कार्य संपन्न करा। और इस बीच हम चाहेंगे कुछ अपने शिक्षक साथियों से, मित्रों से, अगर जो इस बीच हमें उपलब्ध रहेंगे आपसे मुखातिर कराएंगे। और नमस्कार कुंवर जी। नमस्कार। आपका भी ऐतिहासिक मैदान में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। इस पैंडेमिक के बाद जो आज हमारे ब्लॉक स्तरीय शरदकालीन और शीतकालीन रैली का आगाज हुआ है यहाँ पे, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये आप देख रहे हैं शरदकालीन शीतकालीन जो क्रीड़ा प्रतियोगिता हो रही है और सभी बच्चे बड़े उत्साहित दिख रहे हैं, और क्योंकि कोरोना काल के बाद ये दो साल बाद ये गेम्स हो रहे हैं तो सभी बच्चे बहुत अच्छे तरीके से संपन्न करेंगे। धन्यवाद कुंवर जी। चेहरे की मुस्कुराहट ये बयां करी है कि वास्तव में बहुत खुशी का माहौल है। अभी फिर फिलहाल हम ले चलते हैं किसी और मित्र के साथ। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे विराम करते हैं, बीच में फिर मुखातिर होंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो का अवलोकन या देख सक पाएंगे आप लोग, जो हमारे शिक्षक साथी इस ऐतिहासिक मैदान के पलों को देखने में कितने कारणों से रह गए हैं, उनके लिए ये वीडियो प्रचारित और प्रसारित की जा रही है। मैलचोरी से मैं विक्रम गोसाई प्रसारण के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।